आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। 22 के रण में अब वक्त करीब पहुंच गया है मतदान की ओर। पहले चरण की शुरुआत पश्चिम यूपी के जिलों से हो रही है, जिसके लिए 10 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। इसी क्रम में सत्तारूढ़ भाजपा ने पश्चिमी यूपी के जिलों में पूरी ताकत झोंक दी है। भाजपा आलाकमान खुद प्रत्याशियों के लिए वोट अपील कर रहे हैं, ताकि जनता का ज्यादा से ज्यादा समर्थन मिल सके। और क्या कुछ चल रहा है राजनीति में, देखिए इस रिपोर्ट में। पहले चरण के मतदान से पहले भाजपा ने पश्चिम यूपी के जिलों में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। जहां चुनाव प्रचार के लिए कल स्मृति ईरानी और धर्मेंद्र प्रधान आगरा में थे, तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ भी आगरा पहुंचे। सीएम योगी ने किरवाली में भाजपा प्रत्याशी चौधरी बाबूलाल के समर्थन में छोटी जनसभा को संबोधित किया। सीएम योगी ने किरावली के मैदान से सपा, बसपा और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोरोना की महामारी के दौरान ये सभी पार्टियां गायब थी। मैं तो यही कहूंगा कि जो संकट के वक्त आपके साथ नहीं, वह अवसरवादी है। हमें अवसरवादियों को सबक सिखाना है। इसके साथ ही सीएम योगी ने कहा कि सपा की टोपी तो मुजफ्फरनगर के दंगों और राम भक्तों के खून से रंगी है, वहीं इनके लिए अपने परिवार का विकास प्राथमिकता रहती है। उन्होंने कहा कि जब जब सपा और बसपा की सरकार बनी, इन्होंने प्रदेश को बर्बाद करने के षड्यंत्र रचे। इस बार सूबे में डबल इंजन की सरकार है, जिसमें हर गरीब, किसान, नौजवान और महिलाओं को सम्मान मिला है। सीएम योगी ने आगे कहा कि 5 लाख नौजवानों को रोजगार दिए हैं। पिछली सरकारों में नौकरी निकलती थी, तब चाचा भतीजा नौकरी के नाम पर वसूली के लिए निकलते थे, लूट खसोट होती थी, तबादलों के नाम पर पैसे वसूलते थे, माफियाओं को छूट मिलती थी। सीएम योगी ने कहा कि रैलियों पर इस बार कोरोना के चलते आयोग ने रोक लगाई है, लेकिन कार्यकर्ता सुनने के लिए आ रहे हैं। आगामी 10 मार्च को सरकार बनने के बाद फिर से माफियाओं पर बुलडोजर चलेगा। पहले चरण के लिए भाजपा जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटी है। चुनाव प्रचार के जरिए भाजपा जहां एक ओर विपक्ष पर जमकर प्रहार कर रही है, तो वहीं अपने पक्ष में जमीन भी तैयार कर रही है। अब देखना यह होगा कि पहले चरण में पश्चिम यूपी के जिलों से भाजपा को कितना समर्थन मिलता है। प्राइम टीवी के लिए विकास मिश्रा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की राजनीति समुदायों और जातियों के समीकरण की तराजू पर टिकी है। किसी पार्टी को अगर सूबे में सरकार बनानी है, तो तराजू के दोनों पलड़ों का संतुलन और उसे मजबूत रखने की कवायद लगातार करनी पड़ती है। कुछ ऐसी ही सियासत है पश्चिमी यूपी की, जहां की दिशा तय करते हैं जाट। इस इलाके में कहा भी जाता है कि जिसके जाट उसी के ठाट। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के खेतों की मिट्टी जितनी उपजाऊ है, जाटों की अहमियत भी उतनी ही राजनीति में वैसी ही नजर आती है। क्यों खास है जाट, क्यों है जाट समुदाय के वोटों का महत्व, क्या राजनीतिक समीकरण है जाटलैंड के, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव, सभी राजनीतिक दलों की दौड़ राज्य में तेज ही दिखती है, क्योंकि सभी राजनीतिक दल जानते हैं कि यूपी से ही होकर दिल्ली की सत्ता का रास्ता मिलता है। वहीं यूपी में वैसे तो पूर्वांचल हो, अवध हो, बुंदेलखंड हो, सभी के मतदाताओं का महत्व है, लेकिन इन सबसे अलग राजनीतिक समीकरण पश्चिम यूपी के होते हैं, जिनको साधने में कोई भी राजनीतिक दल कोई कोर कसर नहीं छोड़ता। बात पश्चिम यूपी की करें तो जहां की दिशा जाट तय करते हैं। यूं तो पूरे यूपी में जाट समुदाय की आबादी 4 से 6% के बीच है, लेकिन पश्चिम यूपी में कुल वोटों में इनकी हिस्सेदारी 17% तक है। जाट न सिर्फ पश्चिम यूपी की 71 में से 20 से ज्यादा सीटों पर सीधा असर रखते हैं, बल्कि दर्जनों ऐसी सीटें हैं
जहां की राजनीतिक दशा और दिशा भी तय करते हैं। 18 लोकसभा सीट भी ऐसी हैं जहां जाट वोट बहुत ज्यादा मायने रखता है। जाटों के खास प्रभाव वाले जिले मेरठ, मथुरा, अलीगढ़, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, आगरा, बिजनौर, मुरादाबाद, सहारनपुर, बरेली और बदायूं। जाट वोटरों का चुनावी नतीजों पर सीधा असर। सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, शामली, बिजनौर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मुरादाबाद, संभल, अमरोहा, बुलंदशहर, हाथरस, अलीगढ़ और फिरोजाबाद। यही कारण है कि सपा से लेकर बीजेपी तक सभी जाटों को अपने पाले में करने के लिए हर तिकड़म लगा रहे हैं। जहां सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने आरएलडी के जयंत चौधरी के साथ गठबंधन किया है, वहीं देश के गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में जाटों के साथ मुलाकात कर गिले शिकवे दूर करने की कोशिश की। वहीं अगर बात 22 की लड़की करें तो किस दल ने कितने जाट प्रत्याशियों पर दाव खेला है, आइए ग्राफिक्स के जरिए जानते हैं। पश्चिम यूपी का राणा, 2022 में बीजेपी ने 17 सीटों पर खड़े किए जाट उम्मीदवार। आरएलडी ने 9 जाट और सपा ने अपने खाते से 3 जाट प्रत्याशियों पर दाव चला है। बसपा ने भी 10 जाट उम्मीदवारों को टिकट दिया है। 19 जाट प्रत्याशियों को और टिकट दिए जा सकते हैं। कांग्रेस ने जाट समुदाय पर ज्यादा बड़ा राजनीतिक दाव नहीं चला है। फिलहाल बीजेपी के 3 जाट सांसद हैं और विधानसभा में 14 विधायक जाट हैं। 2017 के चुनाव में सपा, कांग्रेस और बसपा से एक भी जाट विधानसभा नहीं पहुंच पाया था, जबकि रालोद से जीते विधायक ने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात हो और चौधरी चरण सिंह का जिक्र ना आए तो बात अधूरी सी रह जाएगी। यहाँ के जाट हमेशा से चौधरी चरण सिंह को आदर्श मानते हुए भावनात्मक रूप से उनके साथ रहे। चौधरी चरण सिंह ऐसे नेता थे जिनके पास जमीनी सियासत के गुर से लेकर पीएमओ तक का अनुभव था। चौधरी चरण सिंह के बाद उनके बेटे अजीत सिंह ने जाट चेहरे के तौर पर राष्ट्रीय स्तर की राजनीति की और अब उनकी विरासत को जयंत चौधरी आगे बढ़ा रहे हैं। चौधरी चरण सिंह ने राजनीति की शुरुआत कांग्रेस से की थी। 1967 में उन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया, समर्थकों के साथ क्रांति दल नाम से पार्टी बनाई। वे पहले यूपी के गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने। चौधरी चरण सिंह देश के प्रधानमंत्री बने। चौधरी चरण सिंह और किसान नेता महेंद्र सिंह टिकैत के समर्थन के बिना केंद्र में सरकार बनाना भी मुश्किल माना जाता था। पश्चिमी यूपी के जाटों के वोटों का फैसला वहां के नेताओं से ज्यादा खाप पंचायतें करती हैं। जाट समुदाय से जुड़ा कोई भी फैसला लेना हो तो खाप पंचायतों के पास जाना पड़ता है। ऐसे में किस उम्मीदवार और पार्टी को वोट देना है, इसका फैसला भी खाप पंचायतों में ही होता है। ये खाप पंचायतें भी एक नहीं कई हैं। सबसे बड़ी है बालियान खाप। बालियान खाप के सर्वे सर्वा हैं नरेश टिकैत। नरेश टिकैत राकेश टिकैत के भाई हैं। गठवाला खाप भी है। बालियान खाप और गठवाला की जाट समुदाय के बीच पकड़ मजबूत मानी जाती है। इसके अलावा देशवाल खाप, पाटियान खाप, चौगाला खाप, अहलावत खाप, 32 खाप, कालखंडे खाप भी शामिल है। पश्चिमी यूपी में एक अध्याय ऐसा जुड़ा जिसने यूपी के सियासी पटल पर गहरी छाप छोड़ी। 2013 में जब मुजफ्फरनगर दंगे हुए तो पश्चिम यूपी के सारे समीकरण ध्वस्त हो गए, यहां तक कि रालोद का जाट मुस्लिम समीकरण भी बिगड़ गया। तब मोदी लहर पर सवार होकर बीजेपी के टिकट पर मुजफ्फरनगर से लोकसभा चुनाव लड़े संजीव बालियान ने दिग्गज जाट नेता अजीत सिंह को मात दी थी, जबकि मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर सत्यपाल सिंह ने बागपत से जयंत चौधरी को हराया था। इससे पश्चिमी यूपी में जाट राजनीति की दिशा ही बदल गई थी।
2017 में बीजेपी ने 12 जाट प्रत्याशियों को टिकट दिया था और सभी ने जीत हासिल की थी। यूपी में जब बीजेपी की सरकार बनी तो यहां से 3 जाट चेहरों को कैबिनेट में जगह मिली थी। जिस तरह जाटलैंड की पूरे राज्य की विधानसभा सीटों पर धाक रहती है, उससे एक बात तो साफ है, जाट वोट सभी राजनीतिक दलों के लिए खासा महत्वपूर्ण है और इसीलिए सत्ताधारी भाजपा से लेकर सभी राजनीतिक दल पश्चिमी यूपी को मत रहे हैं ताकि जाटों के वोट ज्यादा से ज्यादा मिल सके और यूपी की सत्ता हाथ में आए। हालांकि ये तो 10 मार्च को पता चलेगा कि किसके हाथ सत्ता की चाबी लगती है और किसका सत्ता हासिल करने का ख्वाब टूटता है। प्राइम टीवी के लिए विकास मिश्रा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में आगामी 10 फरवरी से चुनाव का आगाज होने वाला है। ऐसे में तमाम दलों से अपनी दावेदारी पेश कर रहे प्रत्याशी नामांकन कर चुनावी ताल ठोकने को तैयार है और इसी कड़ी में मैनपुरी की करहल सीट से आज सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने नामांकन दाखिल कर दिया है। देखिए ये रिपोर्ट। करहल से अखिलेश की हुंकार, नामांकन भर ठोकी ताल, सपा का गढ़ मारी जाती है करहल सीट। करहल से चुनाव लड़ना अखिलेश की रणनीति। करहल से कैसे सधेगा पूरा बोर पश्चिमी यूपी। उत्तर प्रदेश में आगामी 10 फरवरी से चुनाव का आगाज होने जा रहा है। ऐसे में तमाम दलों से अपनी दावेदारी पेश कर रहे प्रत्याशी नामांकन कर चुनावी ताल ठोकने को तैयार हैं। और इसी कड़ी में मैनपुरी की करहल सीट से सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भी नामांकन दाखिल कर दिया है। समाजवादी पार्टी के विजय रथ पर सवार होकर अखिलेश यादव कलेक्ट्रेट पहुंचे। अखिलेश यादव ने नामांकन दाखिल करने से पहले ट्विटर पर लिखा, यह नामांकन एक मिशन है क्योंकि यूपी का ये चुनाव प्रदेश और देश की अगली सदी का इतिहास लिखेगा। आइए प्रोग्रेसिव सोच के साथ सकारात्मक राजनीति के इस आंदोलन में हिस्सा ले। नकारात्मक राजनीति को हराए भी हटाए भी। जय हिंद। गौरतलब है कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने करहल विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की घोषणा की थी। जिले में तीसरे चरण में चुनाव प्रस्तावित है, 20 फरवरी को मतदान होना है। वहीं अखिलेश के साथ नामांकन के दौरान पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव और सपा जिला अध्यक्ष देवेंद्र सिंह यादव मौजूद रहे। नामांकन को देखते हुए अखिलेश यादव रविवार शाम को ही सैफई पहुंच गए थे। अखिलेश यादव के नामांकन को लेकर सपा कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। इसके मद्देनजर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए थे। गौरतलब है कि नामांकन में अब केवल 2 ही दिनों का समय बाकी बचा है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने करहल से चुनाव लड़ने का मूड बना लिया है। ऐसे में भाजपा भी अब यहां पर अपना मजबूत प्रत्याशी ला चुकी है। बता दें कि इससे पहले बसपा ने मैनपुरी की जिस करहल सीट से अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं वहां से कुलदीप नारायण को टिकट दिया है। वहीं अखिलेश यादव के खिलाफ बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी को लेकर तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही थी। कहा जा रहा था कि अखिलेश यादव के खिलाफ बीजेपी अपर्णा यादव को चुनावी मैदान में उतार सकती है, पर इन सबके बीच अटकलों पर विराम लगाते हुए बीजेपी ने एसपी सिंह बघेल को चुनावी मैदान में उतारा है। बता दें कि अखिलेश यादव के नामांकन भरने के कुछ ही समय बाद एसपी सिंह बघेल भी कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे और उन्होंने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। वहीं नामांकन भरने पहुंचे अखिलेश यादव से जब बात की गई और पूछा गया कि विपक्षियों पर वो क्या बयान देना चाहेंगे, तो ऐसे में उन्होंने कहा है कि करहल सीट से जिसे भी बीजेपी या चुनावी मैदान में उतारेगी उसे हार ही मिलेगी। करहल सपा का गढ़ मानी जाती है। 1993 से करहल में सपा का ही कब्जा रहा है।
लेकिन सिर्फ 2002 में इस सीट पर बीजेपी के प्रत्याशी की जीत हुई थी। मुझे उम्मीद है यहाँ पर अच्छे मतों से और ऐतिहासिक परिणाम यहाँ की जनता देगी। उत्तर प्रदेश का चुनाव देश का चुनाव हो रहा है। ऐतिहासिक परिवर्तन के साथ साथ उत्तर प्रदेश खुशहाली के रास्ते पर जाएगा। लगातार जो लोग नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं, लगातार जिन लोगों की राजनीति की दिशा दूसरी है, उसको यहाँ की जनता सबक सिखाने का काम। ये चुनाव मैंने अपनी पार्टी के नेता और यहाँ की जनता पे छोड़ दिया है। मौका मिलेगा जरूर आऊंगा मैं, और जैसा जनता ने और हमारे साथ जो लोग खड़े हैं उन्होंने भरोसा ये दिलाया कि आने की जरूरत नहीं है, जीतने के बाद जरूर आइए। बता दें कि योगी आदित्यनाथ इस बार गोरखपुर सदर सीट से चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। वहीं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव भी पहली बार विधायकी लड़ रहे हैं। इन दोनों नेताओं के चुनावी बिसात पर उतरने के बाद यूपी का चुनाव पहले से ज्यादा हाई वोल्टेज हो गया है। अखिलेश यादव मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में है। इसे अखिलेश यादव के लिए सेफ सीट बताया जा रहा है। समीकरण सेट करने में जुटे अखिलेश। करहल सीट से चुनाव लड़ने का फैसला अखिलेश यादव ने यूं ही नहीं लिया है। इसके पीछे 100 सीटें जीतने का वो ब्लूप्रिंट है जिसके सहारे समाजवादी पार्टी पूरब और पश्चिम की उन सीटों पर जोर मारना चाहती है जहां वो पिछले चुनावों में दूसरे या तीसरे नंबर पर रही थी। करहल विधानसभा एक तरह से अखिलेश के लिए ड्राइविंग सीट है, जहां से वह एक तरफ आगरा, अलीगढ़ और मेरठ मंडल में जातिगत समीकरण साधेंगे और दूसरी ओर आजमगढ़, मिर्जापुर में जनाधार बढ़ाने की कोशिश में भी वो जुटेंगे। मैनपुरी में 1.5 लाख से ज्यादा यादव मतदाता है। अन्य मतदाताओं की बात करें तो एससी से 17%, शाक्य 13%, ठाकुर 9% और ब्राह्मण 7%। इसके अलावा अल्पसंख्यक 6% और अन्य 8% वोटर्स है। इस चुनाव में अखिलेश यादव गैर जाटव, दलित, गैर यादव पिछड़ों के समीकरण, मुस्लिम और ब्राह्मणों के सहारे चुनाव में उतरे हैं। करहल से कैसे सधेगा पूरब और पश्चिमी यूपी? माना जा रहा है कि अखिलेश यादव के करहल से चुनावी मैदान में उतरने से पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम यादव फैक्टर मजबूत होगा। वहीं सपा का इस चुनाव में रालोद से गठबंधन हुआ है, जिससे जाटों का वोट बैंक सपा के साथ जुटने की बात कही जा रही है। इसके अलावा अलीगढ़ मंडल की सीटों के अलावा बुलंदशहर, सहारनपुर में गठबंधन मजबूत हो सकता है। पूर्वांचल में होगी कड़ी टक्कर। गोरखपुर सदर सीट से योगी आदित्यनाथ प्रत्याशी हैं। सियासी समीकरणों को देखते हुए पूर्वांचल बीजेपी के लिए काफी अहम माना जा रहा है। पीएम मोदी काशी से सांसद हैं, इससे पूर्वांचल की सीटों पर असर जरूर पड़ेगा। इससे निपटने के लिए अखिलेश यादव ने मैनपुरी के करहल को चुना है, क्योंकि यहां से वह पश्चिम के अलावा पूर्व की सीटों पर भी असर डाल सकते हैं। एक फैक्टर ये भी है कि गोरखपुर में छठे चरण में मतदान होना है, जबकि करहल सीट पर 20 फरवरी यानी तीसरे चरण में मतदान हो जाएगा। ऐसे में अखिलेश यादव पूर्वांचल की सीटों पर भी बेहतर तरीके से फोकस कर सकते हैं। बहरहाल उत्तर प्रदेश के चुनावी संग्राम का आगाज हो चुका है। सूबे की राजनीति और वार पलटवार का दौर अपने चरम पर है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की गद्दी पर कौन बैठेगा, इसका फैसला तो 10 मार्च को ही हो जाएगा, लेकिन उससे पहले सभी पार्टियां चुनावी गेम सेट करने में जुट चुकी हैं। कोई जातियों के समीकरणों को अपने पाले में लाने के लिए दांव चल रहा है, तो कोई गठबंधन से अपना जनाधार बढ़ा रहा है। ऐसे में चुनाव के नतीजों में किसकी गणित सटीक बैठती है, ये तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। प्राइम टीवी के लिए अनुष्का सिंह की रिपोर्ट। तो
उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। कई समीकरण बनाए जा रहे हैं तो वहीं वोट बैंक को मजबूत करने की भी राजनीति देखने को मिल रही है, लेकिन इसका परिणाम क्या होगा ये तो 10 तारीख को ही पता चलेगा। लेकिन अपने अपने खेमे को मजबूत करने के लिए, अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए सभी पार्टियां जोर शोर से लगी हुई है। कहीं स्टार प्रचारकों को उतारा जा रहा है तो कहीं डोर टू डोर कैंपेन किया जा रहा है। अब इसका परिणाम देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।